मैं स्वीटी शर्मा और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज़। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से बिहार में अपराधी घटनाएं बढ़ रही है, अपराधियों का बोलबाला है, पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं अपराधी, ये चाचा भतीजा की सरकार ने जंगल राज बना दिया है। क्योंकि बिहार के कई अन्य जिलों में भी आए दिन अपराधी घटनाएं देखने को मिल रहा है और बलात्कार भी बढ़ रहा है। तो क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार सिंह, पहले उनकी बातों को सुनवाते हैं। आनंद मोहन की जब से जेल से कानून में संशोधन करके जब से बिहार की सरकार ने, चाचा भतीजा की सरकार ने रिहाई की है, तब से दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, दलितों पर का दमन बढ़ा है, दलितों का हत्याओं का श्रृंखला बढ़ा है। और यही कारण है कि जहां जी कृष्णैया साहब की हत्या हुई थी, डीएम साहब की हत्या हुई थी, उसी जगह पर सोनू पासवान की हत्या होती है और उसमें गिरफ्तारी नहीं होती। तो ये बताने के लिए हम एक इशारा, एक नाम बता रहे हैं कि इनकी हत्या हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई। शिवनाथ राम की हत्या हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहाँ हत्याएं हो रही हैं, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और जैसे सोनू पासवान की मुजफ्फरपुर में जो हत्या होती है, उल्टे उनके घर के लोगों पर FIR हो जाता है कि आपने रोड जाम किया, रोड जाम करके कि आपने यहाँ सद्भाव बिगाड़ने का काम किया। हत्या हुई, उसमें किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनके परिवार को परेशान करने के लिए उन पर FIR होता है। तो कहाँ इन पर न्याय मिलेगा और कैसे न्याय मिलेगा? मतलब मानते हैं नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र बन के सारा खेल देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी केवल और केवल कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। ये धृतराष्ट्र है या नहीं है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन केवल और केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एन प्रकेन किसी भी तरह उनको सत्ता चाहिए। वो चाहे भतीजा के साथ चाहिए या भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ चाहिए, उनको सत्ता चाहिए। बिहार की जनता, बिहार की जो 12-13 करोड़ की जो जनता है, जो दलित है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उन पर तनिक भी ध्यान नहीं है। अगर सुशांत राजपूत की बात होती, इनकी अगर हत्या हुई हो तो उनकी गिरफ्तारी हो, वो तो उनका हुआ था मुंबई में, लेकिन बिहार के सरकार ने CBI जांच की बात की। लेकिन बिहार के अंदर इतने हत्याएं हो रही हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, रोज लोग मारे जा रहे हैं, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, क्यों नहीं उस पर गिरफ्तारी होती है, क्यों नहीं उस पर कोई कार्रवाई होती है? तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सत्ता को हथियाने के लिए अभी एक आनंद मोहन को जेल से छुड़वाए हैं और कहीं ना कहीं ये वोट की राजनीति के लिए कि दलितों को डराने का काम करेंगे, धमकाने का काम करेंगे, जिसके लिए आनंद मोहन जैसे कि रिहाई होती है जेल से और लोग जेल से, ये लोग बाहर आएंगे, दलितों को धमकाएंगे, डराएंगे, गिरफ्तारी नहीं होगी कि नहीं? सर, आज ये धरना क्या आनंद मोहन को ही लेकर है, क्योंकि आज कोर्ट में उनकी भी सुनवाई होने वाली है, फैसले की घड़ी है, बाहर निकलेंगे या क्या होगा? नहीं, बाहर तो है ही, धरना आनंद मोहन के लिए धरना नहीं है, ये धरना जो है बिहार की सरकार के लिए है कि बिहार की सरकार कैसे सामंतवादी और मनुवादियों के आगे नतमस्तक है, उन नतमस्तक से उन्हें जगाने के लिए कि जगिए और बिहार में दलितों और शोषितों के लिए आगे आइए। बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। मुजफ्फरपुर में अभी कुछ दिन पहले शिवनाथ राम जी की हत्या हुई, अभी उसको सुलझाया नहीं गया, उसमें किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मुजफ्फरपुर में ही एक दूसरे पासवान की घटना हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, वो किसी के घर में काम नहीं कर पाता इसलिए उसकी हत्या हो जाती है, सोनपुर में घटना होती है, बिहार के तमाम जिलों में। ये जो चाचा भतीजा की जो सरकार है, इस सरकार में, इस दौर में लगातार दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर उत्पीड़न का सिलसिला बढ़ा है। उसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी आज पूरे बिहार में हर एक जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का काम कर रही है और धरना प्रदर्शन देकर के सरकार को जागृत करने का काम कर रहे हैं कि आप समझिए बिहार में इस तरह से जो दलितों पर, शोषितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है, इसकी श्रृंखला कब बंद होगी? और न्याय नहीं मिल रहा है, जो अत्याचार हो रहा है उस पर न्याय नहीं मिल रहा है, गिरफ्तारी किसी की नहीं हो रही, गिरफ्तारी कब होगी? आज अगर अभी जो सोनू पासवान जो इंटर में पढ़ता था, सबसे होनहार छात्र था अपने स्कूल का, और उसकी हत्या हो जाए, किसी गिरफ्तारी नहीं हुई,
तो ये जो सामंतवादी मनुवादी व्यवस्था है, जो सामंतवादी मनुवादी व्यवस्था जो है ये सर चढ़ करके बोल रही है, ये व्यवस्था नीतीश कुमार की सरकार में ऐसी हो गई है कि कहीं भी ऐसा लगता है कि जब से नीतीश कुमार ने कानून में संशोधन करके एक अपराधी को जेल से छुड़ाया, तब से दलितों पर अत्याचार और बढ़ा है, वंचितों पर अत्याचार और बढ़ा है, शोषितों पर अत्याचार और बढ़ा है, और ऐसा लगता है कि अब इन पर अत्याचार का जो श्रृंखला बढ़ा है कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, और गिरफ्तारियां किसी की नहीं हो रही है। अगर गिरफ्तारियां नहीं हो रही है तो कोर्ट भी वहां चुप है, कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आखिर इनकी कब गिरफ्तारी हो? नीतीश कुमार जी की सरकार ये बताने के लिए क्यों नहीं ये करती है, प्रशासन को क्यों नहीं बताने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही कि इनकी गिरफ्तारी कब हो? जो शोषित वंचितों की हत्याएं हुई हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, और पुलिस उन पर ही केस कर दी है, उन पर ही मुकदमा कर दी है, तो आखिर ये श्रृंखला इस सरकार में कब तक चलेगी? तो आपने सीधे तौर पर सुना कि नील कुमार सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि जिस तरीके से बिहार में अपराधी घटनाएं बढ़ रही है, अपराधियों का बोलबाला है, पुलिस को अपराधी जो है खुली चुनौती दे रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये चाचा भतीजा के सरकार ने पूरे बिहार के अन्य जिलों में भी जंगल राज बन गया है, ऐसे में बिहार के तमाम अन्य जिलों में बलात्कारी घटनाएं और ऐसे अपराधी घटनाएं बढ़ चुकी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़। धन्यवाद।